दोस्तों, इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले जो कि लेजेंड्स T20 लीग का जो कि मैच खेला जाएगा, जो कि सीरीज़ का 10th मैच है। अगर आप देखोगे तो ये जो मैच है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच है। अगर आप लोग ये सोचते कि ऐसे मैचेस रिस्की रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैचेस प्रॉफिट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, स्मॉल लीग लिए थोड़ा सा रिस्की लगता होगा, लेकिन यही मैचेस आप ग्रैंड लीग वगैरह मतलब कि क्रैक कर पाओगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो फाइनल टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे जूस ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे डेड लाइन से 15 मिनट पहले आपको फाइनल स्मॉल लीग टीम भी शेयर कर दूंगा, ग्रैंड लीग की टीम भी शेयर कर दूंगा डेड लाइन से 15 मिनट पहले। तो टेलीग्राम चाहे जूस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स से लिंक पिन कर दूँ, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना एफ लेमन टीम। आप सर्च करोगे तो एक चैनल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी के टाइम करंटली 41,200 से ज़्यादा लोग है, 41,200 से ज़्यादा लोग है। तो टेलीग्राम चाहे जूस से ज्वाइन कर लें, और जाके श्रीलंका लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हो, आप इसे भी देख लेना, क्योंकि ये भी सेम टाइम पर स्टार्ट होगा। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, देख लेना जाके, ठीक है। बार तो टेलीग्राम चाहे जूस से ज्वाइन करें, डेडलाइन से 15 मिनट पहले फाइन टीम शेयर कर देता हूँ, जो मेरे ट्रम्प कार्ड पिक्स है टेलीग्राम पर बता देता हूँ। ध्यान रखना कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल से ऑफिशियल ज्वाइन करें, तो कमेंट बॉक्स लिंक पिन है, आप उसके थ्रू आ जाना, कमेंट बॉक्स लिंक पिन है, जो फाइनल ट्रेनर टीम के टेलीग्राम पे दे दूंगा। एंड अब बात करते हैं दोस्तों, देखोगे तो 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। वेन्यू बता देता हूँ, ये मैच खेला जाएगा, आप देखोगे तो ये मैच करीब 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। वेन्यू है बाराबंकी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, ठीक है। अगर आप रिसेंट मैचेस की बात करें इस विकेट पर जो खेले गए, ठीक है, रिसेंट T20 मैचेस जो कि इस वेन्यू पे खेले गए, मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट मैच था वो भिलवाड़ा किंग्स इस मैच को मतलब कि जीत गए थे, मैच था भिलवाड़ा किंग्स वर्से गुजरात जायंट्स का मैच, ठीक है, जिससे पहले भिलवाड़ा किंग ने बैटिंग करते 222 रन स्कोर किए थे टीम दस से 4 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, 222 रन स्कोर किए थे 4 विकेट के नुकसान पे, और गुजरात टाइटंस चेस ना कर पाई और इसे मतलब हार भी गई 57 रन से, इसलिए जीत गए भिलवाड़ा किंग्स। सेकेंड मैच था मानीपल टाइगर्स 3 रन से जीत गया था, जिससे पहले बैटिंग करते मानीपल टाइगर्स ने स्कोर किए थे 175 रन, पहले बैटिंग करते स्कोर किए थे 8 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, 175 रन स्कोर किए थे 8 विकेट के नुकसान पे। वही देखोगे तो भिलवाड़ा किंग मतलब चेस ना कर पाई और 172 रन पे ही मतलब कि लॉस कर गई मैच, और 3 रन से जबकि जीत गए मानीपल टाइगर्स। बात करें थर्ड मैच खेला गया था, वो जून में खेला गया था 2022 में, ठीक है, 12 जून को खेला गया था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, और ये मैच पहले इंडिया ने बैटिंग किया तो 148 रन स्कोर किए थे 6 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, 148 रन स्कोर किए थे 6 विकेट के नुकसान पे उसी, और साउथ अफ्रीका ने इजीली चेस कर लिया था, ठीक है, और साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया था। और जो फोर्थ मैच इस विकेट पे खेला गया था वो दिसंबर में खेला गया था, 2017 में खेला गया था, 20 दिसंबर 2017 को खेला गया था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का था इस वेन्यू पे मैच, और इंडिया ने पहले बैटिंग 180 स्कोर किया था 3 विकेट के नुकसान पे, और देखोगे तो श्रीलंका चेस नहीं कर पाई और इंडिया ने 93 रन से जीत ली। एंड उसके अलावा जो फिफ्थ मैच है वो 2015 में खेला गया था, ठीक है, 5 अक्टूबर को खेला गया था, ठीक है, उसके लिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था, जिससे पहले बैटिंग थे इंडिया ने 92 रन स्कोर किए थे 10 विकेट के नुकसान पे, और इजीली मतलब चेस कर लिया था साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, बट 2015 की बात है यार, ये इसी वेन्यू पे खेला गया था। बात करते हैं T20 इंटरनेशनल, अगर स्टैट्स अगर देखोगे, ठीक है, तो इस विकेट में 3 मैचेस खेले गए थे इंटरनेशनल में, एक पहले बैटिंग करने वाले जीते और सेकंड बैटिंग करने वाले 2 मैचेस जीते। अगर आप देखोगे एवरेज आप निकालोगे इस विकेट का, तो 140 का आपको एवरेज इस विकेट का देखने को मिलेगा, ठीक है, इस विकेट पर जो इस वेन्यू पे 140 रन इजिली बन जाता है। यहाँ पे हाईस्ट इंडिया की टीम ने बना रखे और लोएस्ट श्रीलंका की टीम ने बना रखे, हाईस्ट अपने इंडिया की टीम ने 180 रन स्कोर बना रखे इस विकेट पे 3 विकेट के नुकसान पे। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बिलो स्कोर बनता है 150 से बन जाता है स्कोर बिटवीन, देखो 150 लेके मिनिमम बता रहा हूँ, 150 लेके 169 इस विकेट इजिली बन जाता है, जिसका 170 से लेकर 189 भी स्कोर बन जाता है। तो ये स्कोरिंग पैटर्न है जो कि इतना बन सकता है, अगर 150 बन गया तो 169 रन भी बन जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। एवो अगर जाना चाहे तो 190 प्लस भी जा सकते हैं इस विकेट पे, अगर जाना चाहे तो। T20 अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक यहाँ पे अब 5 मैचेस खेले गए थे, जिससे पहले बैटिंग कर रहे 2 मैचेस जीते और सेकंड यहाँ पे 3 मैच, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं चेसिंग थोड़ा ईजी है, ट्राई यहाँ पे एक भी नहीं हुआ है। अगर आप डोमेस्टिक मैचेस का निकालोगे तो 167 का आपको एवरेज निकलेगा डोमेस्टिक मैचेस पे, और डोमेस्टिक मैचेस पे पंजाब किंग्स ने 231 रन स्कोर किया हाईएस्ट, और लोएस्ट किया है डेक्कन चार्जर्स ने, लोएस्ट इस विकेट पे डेक्कन चार्जर्स ने स्कोर किया है। स्कोरिंग पैटर्न में बात करें डोमेस्टिक मैचेस में, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 150 मतलब यहाँ बन जाता है 150 से लेकर सेम ही स्कोरिंग पैटर्न, कुछ ज़्यादा नहीं है। रिसेंट फॉर्म अगर बात करें दोनों टीम्स का, तो कैपिटल्स का बात करते हैं अपने इंडिया कैपिटल्स का, जो कि होनी चाहिए अपने टीम में देखोगे तो इंडिया कैपिटल्स से अभी तक टीम में 2 मैचेस विन किए और 1 मैच लॉस किए। अगर देखोगे इनका तो बंगाल यहाँ पे ना मणिपाल टाइगर्स का, तो देखो इन्होंने टीम दस अभी तक इन्होंने 3 मैचेस में से 2 मैचेस लॉस किए और 1 मैच विन किया, यानी कि कहने की क्या यहाँ पे ना इंडिया कैपिटल्स वैसे फाड़ी पड़ रहा है। बात करते हैं
अब लाइनअप जो कि होनी चाहिए प्रोबेबल लाइनअप, ठीक है, ओपन करेंगे मणिपाल टाइगर्स की टीम से देखोगे तो ओपन करेंगे टीम से जैसे रेड ओपन करेंगे टीम से टैलेंडर टेबू के साथ ओपन कर टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, कोरी एंडरसन वंडर बैटिंग करेंगे टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर है एक टैलेंटेड और टीम से काफ़ी अच्छे पावर हीटर है। इंपॉर्टेंट पिक करेंगे टीम से प्रदीप साहू जो कि फोर्थ में बैटिंग करेंगे, मोहम्मद कैफ जो कि हिटिंग के लिए प्रमोट भी हो जाते हैं टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर है आप इनके साथ जा सकते हो हिटिंग के लिए प्रमोट हो जाते हैं, रिचार्डो पावेल टीम से अवेलेबल है उसके टीम में मैच के लिए, रिटेंडर सोडी जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल है तो मैं भी खेल सकता है, हरभजन सिंह जो कि टीम दस से कैप्टनसी करें एट में बैटिंग करेंगे और टीम दस से कैप्टनसी करें और रिसेंट फॉर्म देखो तो दो विकेट एक विकेट। उसके अलावा परविंदर अवाना जो कि टीम दस से दो विकेट लिया था, उसके अलावा रियान जय जो कि टीम दस से एक ठीक ठाक नया प्लेयर है एक ही मैच में 3 विकेट लिया था उससे पहले विकेट लेस गया था, उसके अलावा दिलारा फ्रेंडो जो कि टीम दस देखोगे तो 4 विकेट लिया था उससे 1 विकेट, फिर उसके अलावा टीम दस से देखो तो मुरल थे ना जो कि टीम दस 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। तो ये है इंडिया सॉरी मणिपाल टाइगर्स का प्रोबेबल लाइनअप्स, आप एक बार देख लो और रिसेंट फॉर्म आपको एक सामने सबका रिसेंट फॉर्म, कोरी एंडरसन भी एवरेज फॉर्म में से जूझ रहे हैं और यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने टीम दस से एक हाफ सेंचुरी लगा रखे बट ये भी आउट ऑफ फॉर्म ही उतना ठीक ठाक प्लेयर है। एंड बात करते बॉलिंग में जो कि लास्ट में यूज़ किया गया था तो रियान ने स्टार्ट किया था फर्स्ट पावर प्ले में, 4 ओवर बॉलिंग पाए थे टीम दस से और इन्होंने विकेट लेस चले गए थे, टीम से इकोनॉमिकल बॉलिंग गए थे 4 ओवर में 37 रन दिए थे, परविंदर के साथ स्टार्ट किए थे 2 विकेट ले गए टीम दस से, प्रदीप साहू टीम से विकेट लेस गए और उसके टीम से मेरुथल जो कि टीम दस से 1 विकेट लेते 3 ओवर में, हरभजन सिंह जो कि कैप्टनसी करे 2 विकेट लेके गए टीम दस से और दिलारा फ्रेंडो जो कि 4 विकेट ले गए 4 ओवर बॉलिंग पाए टीम दस से। तो देखोगे तो जो 4 ओवर बॉलिंग पाए विकेट्स लेके गए हैं बस यहाँ पे जयान को अगर छोड़ दिया जाए तो हरभजन सिंह जो कि हमारे फैन टू प्ले के ब्रांड एम्बेसडर आपको पता होगा जो यहाँ पे दथना बॉलिंग करते हैं मणिपाल टाइगर्स की टीम से, दिलारा फ्रेंडो जो कि दथना बॉलिंग करते हैं और परविंदर अवाना में से कोई एक दथना बॉलिंग करे जिसमें ज़्यादा से दिलारा फ्रेंडो के दथना बॉलिंग करने के चांसेस हम बहुत ज़्यादा है ठीक है। यहाँ पे अवाना भी कर सकता है कोई ठीक नहीं बट मेरे हिसाब से दिलारा फ्रेंडो को करनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे इंडिया कैपिटल्स का जो कि होनी चाहिए लाइनअप्स ओपन करेंगे, सैलमन मेरे ओपन करते टीम दस देखो एक ठीक ठाक फॉर्म में ही चल रही टीम दस से, उससे पहले देखो फर्स्ट मैच 41 रन स्कोर किया था, सेकंड मैच 82 रन और उससे थर्ड मैच 9 रन, गौतम गंभीर के साथ ओपन करेंगे कुछ ज़्यादा खास फॉर्म में चल नहीं रहे, अब भाई उम्र भी हो चुके देख लो बताते टीम दस अच्छे प्लेयर है बट आउट ऑफ फॉर्म चल रही टीम दस से, बट एक अच्छे प्लेयर हैमिल्टन जो कि टीम से बहुत बोलने से बहुत टैलेंटेड है लेकिन टीम दस एक ठीक ठाक प्लेयर जो उसे देखो ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक फॉर्म ही चल रहा है, दिनेश रामते जो कि फोर्थ में बैटिंग करेगा टीम से देखो कि ये भी ठीक ठाक फॉर्म ही चल रहा है, हालांकि बड़ा लेवल का प्लेयर है जो जो पढ़ने में बैटिंग अच्छा कर सकते हैं, रजत भाटिया जो टीम दस आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, एशलिन से जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है क्योंकि हिटिंग के लिए प्रमोट जाता है, लास्ट में से देखो 103 रन स्कोर भी किया था और टीम दस 1 विकेट भी लिया था जबकि थोड़ा सा नीचे बैटिंग किया था बंदे ने टीम तो बहुत बड़ा मतलब हिटर भी है ठीक है। एशलिन से टीम दस एक बॉलिंग ऑलराउंडर है हर कोई जानता है कि टीम दस वेस्ट इंडीज़ के एक ऑलराउंडर है जबरदस्त प्लेयर टीम एशलिन से, मुझे मतलब पुराने दिनों के याद आ गया जब पहले पिक किया करते थे आपको याद होगा, रोज प्लेयर इस मैच के लिए अवेलेबल है, लियाम प्लंकेट जो कि काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम दस पहले पिक किया भी करते थे आप इंटरनेशनल मैचेस सबको याद होगा, लेजेंड्स के देखने के बाद ही कुछ और रहते हैं, मिचेल जॉनसन पंकज सिंह भी अवेलेबल है जो कि 5 विकेट लास्ट में लिए थे उससे 2 विकेट फिर उसका विकेट लेस गए थे, पवन सूर्य भी ठीक ठाक प्लेयर टीम से, परवीन तांबे भी टीम से इस मैच के लिए अवेलेबल है 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट जबरदस्त फॉर्म में चल रहे, प्रवीण गुप्ता भी अवेलेबल है। तो ये है इंडिया कैपिटल्स का प्रोबेबल लाइनअप सबका देख लो। बात करते हैं बॉलिंग लाइनअप से, तो फर्स्ट पावर प्ले में जॉनसन ने स्टार्ट किया था, लास्ट में 4 ओवर बॉलिंग पाए थे 1 विकेट लिए थे टीम से, उसके लिए पंकज सिंह ने स्टार्ट किया था विकेट लेस गए थे उसके टीम दस से देखोगे तो परवीन तांबे ने स्टार्ट किया था टीम दस से देखो तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगा आप कवर करके चलिएगा टीम दस से, उसके लिए एशलिन से टीम से 4 ओवर बॉलिंग पाए 2 विकेट ले गए टीम दस से, उसके टीम सवाल जो कि टीम दस देखोगे तो 1 विकेट लिए थे, लियाम प्लंकेट 3 ओवर 3 ओवर बॉलिंग किए तो 1 विकेट ले गए थे, प्रवीण गुप्ता जो कि टीम से देखोगे तो इन्होंने टीम से विकेट लेस गए थे टीम दस 1 ओवर बॉलिंग पाए थे। बात करते जो दथना बॉलिंग करते मिचेल जॉनसन लियाम प्लंकेट उसको एक दथना बॉलिंग करेगा जिसमें ज़्यादा चांसेस मतलब कि है मिचेल जॉनसन के बट लियाम प्लंकेट भी दथना बॉलिंग कर सकते हैं इंडिया कैपिटल्स की टीम दस से। और बात करते हैं टॉप परफॉर्मर जो कि आज के मैच के लिए होनी चाहिए मेरे हिसाब से हरभजन सिंह जो कि टीम दस से राइट आर्म ऑफ स्पिनर टीम से आप इनको कवर करके चलिएगा टीम दस से, दथना भी बॉलिंग करने आ सकते कोई ठीक नहीं कट तो कवर करके चलना, जेस हेडर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मोहम्मद कैफ जो कि मिडल ऑर्डर संभाल लेते काफ़ी चे, परवीन अवाना जो कि डेथ में बॉलिंग कर सकते टीम उधर से तो डेथ ओवर काफ़ी इनके पास है। बात करते इंडिया कैपिटल्स का जो कि होनी चाहिए मणिपाल का बता चुका हूँ, एंड बात करते इंडिया कैपिटल्स का सलमान मीरे ओपन करता है ठीक ठाक प्ले फॉर्म में चल रहा है, वरना एसली नर्से फॉर्म में चल रहा है, परवीन तांबे फॉर्म में चल रहे, लेग स्पिनर टीम से कवर करके चलिएगा, लियाम प्लंकेट दस में बॉलिंग कर सकता है, हैमिल्टन जो कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन तो आप इनको कवर कर लेना ठीक है। तो ये जो 5 प्लेयर्स इधर से और 5 प्लेयर्स इधर से इनको जो सी बी सी रिपोर्ट रोटेट कर लीजिए, यहाँ पे जो हरभजन सिंह दो बार लिख दिया हूँ बट यहाँ पे आप मेंशन कर लेना इनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो प्लेयर नहीं है, अरे ये इनको कहाँ गया
यहाँ पे ये भी नहीं, रुको यार, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे मिचेल जॉनसन का नाम लिख देना, ठीक है, मिचेल जॉनसन का नाम लिख देना, जो यहाँ पे 2 बार हरभजन सिंह लिखा गया है, यहाँ पे मिचेल जॉनसन का नाम लिख लेना। तो ये बातें कि इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, बाकी जो अपडेट्स हैं टेली यहाँ पे जो इन्फॉर्म कर दो, टेली चैप एक्टिव। देखो यार बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो के पीछे, पता है इतना कितना ही मतलब एफर्ट्स लगा के देखो इतना सारा इन्फॉर्मेशन निकालना, ये कोई आम बात नहीं है, पूरा दिन लग जाता है मेरे टीम मेंबर्स का। देखो आपको बता देता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स से मिल रहा था, देखो ये रहा, ये उनके लिए ग्रुप है, ठीक है, तो समझ सकते हो कितना मतलब एफर्ट्स लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, तो वीडियो को जूस लाइक कर देना यार, बहुत एफर्ट्स लगता है, पूरे टीम मेंबर्स से मिलकर काम करते हैं, भले ही मैं मतलब ओनर हूँ बट एक टीम वर्क है यार, आपके लिए मतलब कि फ्री में सर्विस देता हूँ, लेकिन बाकी को मतलब पैसा मुझे देना पड़ता है, बट आपको हमेशा फ्री भी दूंगा, टेलीग्राम पैक्ट में फायर टीम शेड्यूल से शेयर करूँगा। बात करते हैं सीधे से पेयर वाइज साइनिंग्स, लेकिन आपको फैन टू प्ले पे क्यों फिर बताऊँ कि फैन टू प्ले पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फैन टू प्ले बेस्ट है, तो ऐसे फैन टू प्ले बेस्ट नहीं है, फैन टू प्ले पे 4 लीडर बोर्ड चल रहे हैं, जिस जो चारों के प्राइजेस है, जो टॉप 3 जो प्राइजेस है वो मतलब लाखों रुपये के, चारों लीडर बोर्ड्स के, कोई भी ऐप आपको एक एक दिन मतलब एक महीने में 4 लीडर बोर्ड्स नहीं देगी। फैन टू प्ले पे लीडर बोर्ड भी 4 चल रहा है, डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है, साथ ही साथ या फिर मतलब कि आप हद से ज़्यादा बोनस यूज़ कर सकते हो, तो ट्राई जरूर से कर लेना। ब्रांड एम्बेसडर इस ऐप के ना हरभजन सिंह है, ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है, तो ट्राई जरूर से कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, आपको क्या करना ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करा, फैन टू प्ले ऐप लिंक करके लिंक दे दूँगा, उस पर क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिएगा, रेफर कोड मांगेंगे तो ऐप लिंक यूज़ कर लेना यार, ब्रांड एम्बेसडर इस ऐप के ना हरभजन सिंह है, तो ट्राई जो से कर लेना। ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह ऐसी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी ऐप है, बहुत ट्रस्टेड ऐप है, बहुत स्मूथ है, साथ ही इंस्टेंट विड्रॉल्स है। बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस, तो ये रहा मैच यहाँ पे लगा हुआ, ये रहा लेजेंड्स T20, लेजेंड्स T20 के लिए भी लीडर बोर्ड लाइव है यहाँ पे, बाकी टेलीग्राम पे जूस एक्टिव रहना, ठीक है। मैं मेरे पे क्या करता हूँ ना, देखो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो कमेंट बॉक्स लिंक से आना, फैन टू प्ले डाउनलोड कर दे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से डाउनलोड करते, ये मतलब 2 मोड्स है, क्लासिक फैंटेसी और चैलेंज फैंटेसी। आप बोलो चैलेंज फैंटेसी क्या है, तो चैलेंज फैंटेसी में क्या कि आप 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर की टीम बना सकते हो, जो कि यूनिक फैंटेसी है। और अब देखो मैं प्रीफर करूँगा अभी क्लासिक फैंटेसी खेलो, चैलेंज फैंटेसी खेलोगे तो मतलब आपका फायदा है, जो बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि यूनिक फैंटेसी ये कॉन्सेप्ट अभी तक किसी भी ऐप में नहीं है, आप 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर की टीम बना सकते हो और इजिली विन कर सकते हो। यहाँ पे बड़े लोग मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स उनके लिए भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट है, जो छोटे इन्वेस्टर्स उनके लिए भी कॉन्टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ट्राई जो से कर लेना, बहुत ही स्मूथ ऐप है। बात कर विकेट कीपर से, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर दें, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सबसे पहले को ऑन पे ऑल पे सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में। बात कर विकेट कीपर से, सर मेरे सबसे दिनेश रामदीन सबसे बेटर ऑप्शन होनी चाहिए, टीम में से काफ़ी अच्छे प्लेयर है, अगर फिल्म स्टोर वगैरह तो इनको ट्राई कर लेना, बट मेरे हिसाब से फिलहाल के दिनेश रामदीन के साथ जो है जो टीम से मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर ले तो काफ़ी अच्छे मिडल ऑर्डर संभाल भी थे, टैबू वगैरह भी, बट उनको साइड है क्योंकि थोड़ा सा उस लेवल के प्लेयर नहीं जिस हिसाब से दिनेश रामदीन है, ठीक है। उसके अलावा बैटिंग सेशन से आप इस ऐप पर 2 बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, जिसका आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा सबसे पहले आप गौतम गंभीर को, देखो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे और उतना कुछ देखो अच्छे प्लेयर हैं, हर कोई जानता है कि टीम से बड़े प्लेयर है, लेकिन ना फॉर्म का देखो तो फॉर्म डाउन सा चल रहा है, तो अगर आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सलमान मीर इंपॉर्टेंट टीम से हर मैच में टीम से ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी लगा के जा ही रहे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, हैमिल्टन भी इंपॉर्टेंट है। अब गौतम गंभीर आपको पर डिपेंड करता है कि आपको गौतम गंभीर चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर मतलब गौतम गंभीर के फ्लॉप भी जा रहे यार, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप कर दे, आप मोहम्मद कैफ के साथ भी जा सकते हो, मिडल ऑर्डर बैटिंग कर लेते, कभी कल बॉलिंग कर लेते, बट साइड रखते टीम से 2 ही बैट्समैन ट्राई करो, क्योंकि इस ऐप में 2 बैट्समैन साथ पॉसिबल है, और आपको मन करे कि यहाँ पे जाना चाहिए गौतम गंभीर के साथ, देखो देखो अगर गौतम गंभीर अगर पहले बैटिंग करे तो आप उनको जू से पिक कर लेना। उसके अलावा आप सबसे पहले पिक कर लो जैसे रेडे को साइड रखिएगा, एस्ली नर्स इंपॉर्टेंट टीम से, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर फॉर्म में भी चल रहे, कोरेन एंडरसन जो कि वनडे बैटिंग कर आप इनके साथ जा सकते हैं, इनफॉर्म प्लेयर ये भी है, लेकिन फर्क यही कि टीम से थोड़ा सा मतलब कमी मैचेस चलते बट अच्छे प्लेयर टीम से, तो 2 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हो, दोनों इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बॉलिंग सेशन से मिचेल जॉनसन, ये टीम से काफ़ी अच्छी कि दस में बॉलिंग करने आते, टीम उधर से फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग किया तो आप इनके साथ जा सकते हो, मे भी आपके ट्रम्प कार्ड हो। उसके अलावा दिलारा फ्रेंडो जो कि विकेट टेकिंग प्लेयर टीम उधर से आप इनके साथ जा सकते हो, एक मिनट अगर देखोगे रिसेंट फॉर्म अगर देखोगे देखोगे तो जॉनसन ने स्टार्ट किया, देखो 4 ओवर 1 विकेट लेके गया था, पंकज सिंह के साथ स्टार्ट किया था, तो आप जा सकते हो। और उससे पहले अगर आप इनका देखोगे तो इनके टीम दस देखो तो रियान ने स्टार्ट किया था, तो अगर आप इनको दिलारा फ्रेंडो जो कि टीम से 4 विकेट लिया तो आप इनके साथ जा सकते हो, दिलारा फ्रेंडो को पिक कर लेते, पंकज सिंह को पिक कर सकते हो, हालांकि मैं प्रेफर तो नहीं करता लेकिन पिक कर सकते हो, लियाम प्लंकेट पिक कर लेते। उसके अलावा मुरली थैन भी एक अच्छा प्लेयर टीम से, हरभजन सिंह जो कि ऐप के ब्रांड एम्बेसडर तो पिक तो करना है, उसे भी इंपॉर्टेंट है, और टीम की तरफ से इन्फॉर्म प्लेयर और विकेट टेकिंग प्लेयर टीम से और कैप्टनसी भी कर रहे, तो मेरे हिसाब से हरभजन सिंह सबसे बेटर ऑप्शन होनी चाहिए, एज ए CVC भी जा सकते हो। उसके अलावा टीम से नीचे देखोगे तो यहाँ पर रियान है जो कि फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग के, अगर आप चाहो तो इनको भी पिक कर सकते हो, टीम से काफ़ी टैलेंटेड है, इनको भी कवर कर सकते। प्रवीण तांबे जो कि फॉर्म में चल रहे,
ठीक है, प्रवीण तांबे इसको पिक करना है, प्रवीण गुप्ता को नहीं, प्रवीण तांबे को पिक करना है। प्रवीण तांबे जबरदस्त फॉर्म में चल रही टीम से, अब बस आपके पास 15 किड, आपको डिसाइड कर अपना 11 आप बोलोगे 15 किड अभी बचा है या फिर तो कोई भी प्लेयर ले सकते हैं, लेकिन आप डिपेंड करता है आपको कहाँ से मतलब किस प्लेयर चाहिए, आपको एक बैट्समैन बढ़ाना है या फिर आपको बढ़ाना है यहाँ पे जैसे रियान वगैरह बढ़ा सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो मतलब कि एक बॉलर। ठीक है, जैसे टीम से मुरली थीन भी अभी आप तो मुरली थीन को भी पिक कर सकते हो, जिससे मुरली थीन भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, अगर आपको मन करें तो पिक कर सकते हो। टीम से आप देखोगे तो टीम से मुरली थीन टीम में से एक अच्छा प्लेयर है, एक विकेट लिया था टीम में से, तो अगर आप चाहो तो पिक कर सकते हो या फिर एक बैट्समैन बढ़ा सकते हो जैसे कि मोहम्मद कैफ वगैरह। ठीक है, आप इनको पिक कर सकते हो, गौतम गंभीर को मैं साइड रखा हूँ बट आप पिक कर सकते हो। मोहम्मद कैफ बैटिंग अच्छा कर लेते हैं मिडल ऑर्डर में, मैं फिर आगे प्रिफिक करूँगा। जेस रोड अगर देखोगे तो बॉलिंग नहीं पाते टीम उधर से, तो साइड ही रखिएगा उनको भी। मैं अपनी टीम में जा रहा हूँ सिर्फ फिलहाल के लिए, क्रिस मुफोने वगैरह को साइड रखे खेलेंगे तो पिक करना, साइड रखते हैं टीम से जा सकते हो। रियान को पिक करो या फिर पिक कर लो टीम से मुरली थीन को, मैं मुरली थीन के साथ जा रहा हूँ, अच्छे प्लेयर टीम से, तो मुरली थीन ने अपने साथ गया हूँ, ओवरऑल टीम बन चुकी है मेरी। हालांकि बोलोगे कि 6 आपने ट्राई कर लिया, आप लोग बोलोगे 6 बॉलर्स को ट्राई कर लिया भाई, लेकिन देखो ये सारे इनफॉर्म प्लेयर्स है, कोई ना कोई से 3 से 4 विकेट हर मैच लेके जा ही रहा है हर मैच में, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी टीम बनी है। आप देखो बैट्समैन तो उतना होप नहीं कर सकते लेजेंड्स वाले मैचेस में, ठीक है, कि आपको स्कोर करके दे देंगे, जैसे हरभजन सिंह पे आप ट्रस्ट करोगे, बट सॉरी हरभजन सिंह बोल रहा हूँ, गौतम गंभीर पर ट्रस्ट करोगे, हैमिल्टन के जो आप पिक करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि गौतम गंभीर जल्दी निकल ले, हो सकता है ऐसा चांसेस सही है, बट मैंने यहाँ पे रखो टॉप ऑर्डर को भी पिक कर रखा, ऐसा नहीं कि जैसे सैलमन मीरे वगैरह ये सभी टॉप ऑर्डर बैटिंग कर लेते काफ़ी अच्छे। ठीक है, आप लेजेंड्स T20 में ये मत होप करना कि ज़्यादा स्कोर बनेंगे, ज़्यादा मतलब विकेट ही गिरते यहाँ पे, वो बात अलग है, जैसे कि सलमान मीरे वगैरह टिक खेलते हैं, हैमिल्टन टिक के खेलते हैं, तो ये लोग रन स्कोर कर देते हैं। उसके अलावा आपको बैट्समैन बढ़ाना है तो मोहम्मद कैफ वगैरह, बट ये इनको साइड रखना मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, रिचार्ड पॉवेल वगैरह है बट इनको कुछ ज़्यादा खास फॉर्म में चल नहीं रहे, तो आपको नुकसान भी करा सकते हैं, बट ये जो 6 प्लेयर्स आपको लिया हो ना, ये 6 और बॉलर्स, ये सारे इनफॉर्म प्लेयर्स है, काफ़ी अच्छी टीम मेरे पास से, काफ़ी सही कैप्टन सेप्टन। अब देखो कैप्टन सेप्टन किसके साथ जाओगे, मेरे हिसाब से तो असली नर्सर टीम से काफ़ी अच्छी बैटिंग है, टिकले प्रमोट हो जाते पहले चारों बॉलिंग पा रहे, तो इन सब समझे कैप्टन लग नहीं रहा। वाइस कैप्टन चाहो तो आप जा सकते हैं, जैसे कि मिचेल जॉनसन वगैरह ग्रैंड टीम ट्राई कर लेने की, ये सब इंपॉर्टेंट पिक्स है। मिचेल जॉनसन दत्त में बॉलिंग करेगा और इनके टीम से देखो तो हरभजन सिंह वगैरह भी दत्त में बॉलिंग कर सकते हैं, तो आप इनको साथ में सीबीसी जा सकते हो। मैं एज ए कैप्टन प्रेफर करूँगा, आप कॉरी एंडरसन को ग्रैंड यूज़र ट्राई कर लेंगे, ट्रंप कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं एज ए कैप्टन प्रेफर करूँगा फिलहाल कैसीनर से, है कैप्टन वाइस कैप्टन हरभजन सिंह के साथ जाओ, जो कि इस हिसाब के ब्रांड ने बेस्ट है, जो टीम से देखने बॉलिंग भी करेंगे। मैं पर्सनली हरभजन सिंह से बहुत ट्रस्ट करता हूँ, अगर आपको देखो हरभजन सिंह के साथ नहीं जाना हो तो आप उसके अलावा ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि प्रवीण तांबे वगैरह भी है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो भी विकेट टेकिंग प्लेयर टीम से, और फ्रेंड तो ऐसे 4 विकेट लेके आ रहा था, आप इनके साथ जा सकते हो, सैलमन मीरे वगैरह भी, बट मेरे हिसाब से जो टीम बनी वो मुझे काफ़ी पसंद आ रही टीम। ठीक है, कॉरी एंडरसन को भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं उन्हीं प्लेस को ट्राई करूँ जो कि मुझे लगता है जब अच्छे खास पॉइंट्स आपको देखे जाते हैं, स्मूथली मेरी फैन टू प्ले की टीम बन चुकी है, तो सेम टीम से जाके फैन टू प्ले पे इन्वेस्टमेंट करो, मेरे हिसाब से टीम बहुत मुझे सही लग रही है, पर्सनली मुझे काफ़ी सही टीम लग रही है यार। देखो मेरे को किसी फालतू प्लेयर को नहीं, जो इन्फॉर्म प्लेयर्स है उन्हीं को अपनी टीम में प्रेफर किया, यानी कहीं से प्लेयर को उठा लिया कहीं से पिक कर लिया ऐसा नहीं है, मैंने हर एक प्लेयर को पिक किया बट वो अपनी टीम के हिसाब से पिक किया हूँ, तो सेम टीम से जाओ अमाउंट इन्वेस्ट करने कुछ चेंजेस हो तो टेलीग्राम अपडेट करूँ, स्क्रीनशॉट लो जाके कॉन्टेस्ट को बुक कर दो। ठीक है, जिन्होंने फैन टू पे डाउनलोड नहीं किया यार एक बार डाउनलोड करके देखो, बहुत अच्छी है, ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है, ट्राई जो से कर लें। ठीक है, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो, आप उसके थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और रेफर कोड मांगे हो तो ऐप लिमिट यूज़ कर लें, जिससे हमारे फैमिली मेंबर बन जाओगे, तो सेम टीम से जाके फैन टू पे इन्वेस्टमेंट कर दी, जो टीम है हेड टू हेड से लेके आप 10 मेंबर्स यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर से करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं रिस्क करूँ, रिस्क लेके खेलूँगा, बाकी ग्रैली खेलो तो मिचेल को ट्राई कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा कॉरी एंडरसन को कैप्टन रोटेट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी टीम में हैमिल्टन को कैप्टन, 3 को जरूर से रोटेट कर लीजिएगा। अगर पहले बॉलिंग हो तो हरभजन सिंह को भी कैप्टन रोटेट कर सकते हो ग्रैली टीम में, और लियाम प्लंकेट के दोनों को आपस से रोटेट कर लीजिएगा सीवीसी। तो दोस्तों ये सेम टीम से जाकर अमाउंट इन्वेस्ट करो, मैं यही प्रेफर करूँगा, अगर आपको इजी विनिंग चाहिए तो फैन टू प्ले भी कमीशन भी ना के बराबर है, ग्रैली काफ़ी अच्छी अवेलेबल है, लेजेंड्स T20 के लिए लीडर बोर्ड भी लाइव, जिससे आप इजीली विन कर सकते हो, कमीशन कॉम्बिनेशन ना के बराबर है। ठीक है, रेफर कोड याद रखना, रेफर कोड इनविटेशन कोड मांगे तो आप 11 डाल दें, जिससे हमारे फैमिली मेंबर बन जाए, प्लस आपको के बदले कि आपको मिलेगा कैश बोनस, साथ ही साथ आपको डिपॉजिट करो तो रियल कैश भी मिलेगा, बहुत अच्छी ऐप है, लीडर बोर्ड की ना गिवे कभी कभी महसूस ही नहीं होगी आपको, सेम टीम से जाओ। ठीक है, कुछ चेंजेस टेली आप अपडेट करूँगा, स्क्रीनशॉट लो जाके कॉन्टेस्ट को बुक कर दो, चल मिलता है टेलियाँ पे एक्टिव रहना। ठीक है, बाकी बहुत एफर्ट्स लगे इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा, देखो कितना लिटरली कितना स्टार्ट्स निकाला हो, कितना ज़्यादा बहुत एफर्ट्स लगा है। आई होप ये वीडियो आपको जूस हेल्प की होगी, टीम बनाने से वीडियो को जूस लाइक कर देना। ठीक है, कोई नीचे अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, और जूस सब्सक्राइब कर